Good morning dear students, welcome to Jatin's Academy. Today in this class we are going to start with the first chapter of class 6 ICSE mathematics, that is number system. In this class we are going to complete exercise first B from the book Selina Concise. So let's get started. So here we are having first question. In first question we are given with population of a city was 354976 in the year 2014. 2014 में जो population है city की वो इतनी हमें given है, तो आप लिख लो यहाँ पे population in 2014. 2014 में population कितनी है 3,54976, इतनी population 2014 में है. Next we are given with in the year 2015 it was found to be increased by this much, और population in 2015 में population कितनी है 68438. ओके, population कितनी है 2015 में इतनी हमें given है. What was the population of the city at the end of 2015? 2015 के end तक है जो वो कितनी population होगी. देखो 2014 में इतनी पॉपुलेशन है और टिल जो 2015 जब शुरू हुआ, जो शुरू होने के बाद इतनी पॉपुलेशन और इंक्रीज हो गई, तो और इंक्रीज होगी मतलब एंड में कितनी पॉपुलेशन होगी, तो कितनी देखो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन एट एंड ऑफ 2015, क्योंकि 2014 में इतनी पॉपुलेशन थी और बाद में जब यहाँ 2015 स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या इतनी पॉपुलेशन और आ गई. अगर इतनी पॉपुलेशन और आ जाएगी तो आप क्या करो, एट द एंड फाइंड आउट करने के लिए दोनों को ऐड कर दो. तो ऐड कर लो, कितना आंसर आ जाएगा 3,54976 में ऐड कर दो. आप क्या ऐड करोगे 68438, इन दोनों को ऐड कर दो. ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, here will get 414, here will get 324. This much population is there at the end of 2015. Okay. So next we are having second question. In second question we are given with if A is equals to this much. अगर A की value कितनी है 743,000 and B की value कितनी है, B is equals to 800,100, which is greater A और B. A और B में से कौन greater? तो greater आप कैसे चेक करोगे, पहले आप number of digits count कर लो. Number of digits A में कितनी है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 number of digit है. इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 number of digit है. तो 6 से पता चलने रहा कौन बड़ा है. तो आप क्या करो, पहले वेरी फर्स्ट टर्म देखो, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है 7, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है 8. तो 7 बड़ा कि 8 बड़ा, ऑब्वियसली 8 बड़ा है. तो B की वैल्यू क्या है ग्रेटर एज कंपेयर टू A. अभी B कितना बड़ा है बाय हाउ मच. हाउ मच के लिए आप क्या करोगे B माइनस A कर दो, B में से A को माइनस कर दो. 800,100 में से माइनस कर दो आप 743,000, इसको माइनस करो कितना आएगा 001. इन सभी को माइनस कर दो, माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 and here you will get the 5. तो 57100 is the answer. This by this much value, this B is greater than A. Okay. So next we are having third question. In third question we are given with a small and thin notebook has 56 pages. एक मेरे पास notebook है, notebook में 56 pages है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे number of pages in one notebook is equals to 56. तो एक notebook में 56 pages हैं. How many total number of pages will this much such notebooks have? अगर इतने अब मेरे पास नोटबुक्स है उसमें कितने पेजेस होंगे, अगर वन नोटबुक में 56 पेजेस है. आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो तो आप देखो लिखो नंबर ऑफ पेजेस इन 5326 सच नोटबुक्स इज इक्वल्स टू. देखो अगर एक नोटबुक में 56 पेजेस है तो अगर मैं टू नोटबुक्स की बात करूँ, टू नोटबुक्स में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 56 मल्टीप्लाई 2 कर दो, वो इतने नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे. अगर आपको थ्री नोटबुक्स में चेक करना है 56 मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे. अगर आपको बोला कि आपने इतने सच नोटबुक में चेक करना है कितने पेज होंगे, तो आप क्या करो 56 से मल्टीप्लाई कर दो 5326 को. जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा 298256. तो मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती है, बट आपने क्या करना है मल्टीप्लाई शो भी करनी है. यहाँ पे पूरी मल्टीप्लाई अच्छे से शो करोगे, ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाई 56 का 36 3 कैरी, मतलब ऐसे पूरी आप क्या करोगे कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे. ठीक है. So next we're having fourth question. In fourth question we are given with the number of sheets of paper available for making notebooks is this much. अगर आपको कुछ notebooks बनानी है और notebooks बनाने के लिए मेरे को number of sheets given है, इतने मेरे पास paper given है. एंड नेक्स्ट वी आर गिवन विद ईच शीट मेक अ 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक. अगर मेरे पास 75,000 शीट्स है और 75,000 शीट में जो एक मेरे पास शीट है वो 8 शीट के अंदर भी 8 पेजेस है. एक शीट के अंदर भी कितने पेजेस हैं, 8 पेजेस हैं। तो टोटल पेजेस कितने आ जाएंगे, मेरे पास कितनी शीट्स हैं, मेरे पास 7500 शीट्स है ना। तो टोटल पेजेस कितने आ जाएंगे, टोटल पेजेस इज इक्वल्स टू 7500 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, क्योंकि अगर एक शीट में 8 पेजेस है तो मेरे पास यहाँ पे 75,000 ऐसी शीट्स हैं। तो 75,000 में कितने पेजेस होंगे, 75,000 में होंगे 75,000 मल्टीप्लाई 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना जाएगा 6 विद। तो टोटल पेजेस मेरे पास कितने हैं, इतने पेजेस मेरे पास टोटल हैं। और अभी मेरे पास जो ये टोटल पेजेस आए हैं, टोटल पेजेस से मैंने क्या करना है, 200 पेजेस की एक नोटबुक बनानी है। तो मैंने देखना कि मेरे पास कितनी नोटबुक बन जाएंगी। अगर मेरे पास इतने पेजेस हैं और मैंने हर एक नोटबुक में 200 पेजेस रखने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स मैंने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आप फॉर्मूला यूज़ करो यहाँ पे, नंबर ऑफ नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल्स टू कितने आपके पास वैसे टोटल पेजेस है, टोटल पेजेस आपके पास इतने हैं ना 6, 1 2 3 4 विद 5 zeros। ओवर क्या करना है आपने हर एक नोटबुक में 200 पेजेस रखने हैं। तो डिवाइड कर दो आप 200 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 कट, हेयर ऑल्सो 0 0 कट। ये आपको 2 के टेबल में कैंसिल करना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3000। तो टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स विल बी 3000। मतलब क्या, इतने पेजेस में से अगर आप एक नोटबुक की 200 पेजेस रखोगे तो आपको 3000 नोटबुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। So next we're having 5th question. In 5th question we have to simply add all these terms. इन सभी को terms को add कर दो। पहले first लिख लो 1,76,209, then we are having 4,50,923, then we are having 4,48,3947। इन सभी को add कर दो, कितना जाएगा 7, 8, 9, 10, 10 + 9, 19, 1 carry, 4, 5, 6 and 7। Here we are having 9, 9, 18, 18 + 2, 20, 2 कैरी आ जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 का 1 कैरी गया, 8, 9, 9 + 5 कितना आ जाएगा 14, 14 + 7 विल गिव यू 21, 21 का 2 कैरी चला गया, ठीक है। 4, 4, 8, 9, 10 and 1, 11, 11 का 1 कैरी गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। दिस यू विल गेट एज अ आंसर। So next we are having 6th question. In 6th question we are given with a cricket player has so far scored 7,849 runs. एक क्रिकेट प्लेयर ने क्या किया, इतने स्कोर्स रन कर लिए इन द टेस्ट मैच। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या, हमें यहाँ पे गिवन है स्कोर्स ऑफ द क्रिकेट प्लेयर, स्कोर्स ऑफ प्लेयर इज इक्वल्स टू कितने उसने स्कोर बना लिए 7,849 इन द टेस्ट मैच। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन, बट वो भी चाहता है कि मेरे 10,000 रन कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो वो कितना चाहता है, टोटल स्कोर्स, टोटल स्कोर्स ही विश इज इक्वल्स टू कितने स्कोर वो चाहता है, वो चाहता है मेरे पास 10,000 रन्स बन जाए। हाउ मेनी मोर रन्स डिड ही नीड, उसको कितने अभी रन्स चाहिए और 10,000 को कंप्लीट करने के लिए। आप क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, 10,000 में से आप माइनस कर दो 7,849। जब आप माइनस करोगे तो इसका क्या करो, कैरी 0 से आप 9 को तो माइनस नहीं कर सकते, तो आपको कैरी ओवर लेना पड़ेगा। कैरी ओवर में 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आके 9 आ जाएगा, हेयर ऑल्सो 10 का 9 आ जाएगा, हेयर ऑल्सो 10 का 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो 10 - 9 1, 9 - 4 कितना आ जाएगा 5, 9 - 8 1, 9 - 7 विल गिव यू 2। तो उसको अभी क्या है 2151 स्कोर्स अभी और चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द 10,000 स्कोर्स और रन्स, ओके। Next we are having 7th question. In 7th question we are given with in an election two candidates A and B are the only contestants. एक election में A और B दो contestants थे. If A candidate scored this much votes, A candidate को कितने votes मिले? A candidate got 9, 3, 2, 5, 6, 7 votes and B candidate को कितने मिले 9, 0, 0, 2, 3, 5 वोट्स, ठीक है। बाय हाउ मच मार्जिन डिड ए विन और लूज द इलेक्शन, ए जीता कि बी जीता। पहले देखो टोटल नंबर ऑफ, इसमें देखो डिजिट्स कितने हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म 6 है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। तो नेक्स्ट आपको चेक करना है नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम आए, पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है। अभी आपको फर्स्ट टर्म चेक करना है, तो फर्स्ट टर्म 9 है, फर्स्ट टर्म 9 है, अभी भी नहीं पता चल रहा। सेकंड टर्म चेक करो, सेकंड टर्म 3 है, सेकंड टर्म 0 है, तो किसका बड़ा है 9 वाला, ये ए वाला बड़ा हो गया ना। तो ए ने क्या किया ज़्यादा स्कोर्स मतलब लिए एज कंपेयर टू बी। अभी कितने ज़्यादा लिए, कितनी मार्जिन ज़्यादा उसकी, तो आप क्या करोगे कितना ज़्यादा होगा ना, हाउ मच के लिए आप इन दोनों को माइनस कर दिया करो। तो आप इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पे आंसर कितना जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस कर दो। तो 0 0 2 3 5, 7 में से 5 माइनस करो 2, 6 में से 3 3, हेयर ऑल्सो 3 2 3 0। तो उसने क्या किया, इतने स्कोर्स उसको ज़्यादा मिले, इतने वोट उसको ज़्यादा मिले ए को। तो ए ने क्या किया, ए वॉन द इलेक्शन, ओके। एंड ए वॉन द इलेक्शन बाय 3,2,332 वोट्स। उसने इतनी वोट से क्या किया, इलेक्शंस को जीत लिया। So next we are having 8th question. In 8th question we are given with find the difference between the largest and the smaller number that can be written using the digits this much without repeating any digit. हमने क्या करना, जो हमें digits given है 5, 1, 3, 2, 3 and 2, इन सभी digits को use करके मैंने क्या करना है, पहले largest number बनाना है, फिर एक मैंने smallest number बनाना है. तो largest और greatest number कौन सा बनेगा, देखो कैसे बनता है greatest number और largest number. सबसे बड़ा term कौन सा, 6 पहले रखो, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, then 2, then 1. तो largest number क्या बन गया मेरे पास, ये वाला. और smallest number कौन सा होगा, smallest number is equals to सबसे छोटा कौन है 1, then 2, then 3, then 5, then 6. ठीक है, largest number लिख दिया, smallest number लिख दिया. अब मेरे को difference find out करना है, इन दोनों का difference find out को, डिफरेंस मतलब मेरे को माइनस फाइंड आउट करना है. तो 1 में से 6 माइनस नहीं होगा तो मेरे को क्या करना होगा, कैरी ओवर लेना होगा. तो कैरी ओवर के लिए क्या करूं, यहाँ पे 11 लिख लूँ, यहाँ पे कट करके 1 लिख लूँ. अभी 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो अभी क्या करूँ, यहाँ पे अगेन कैरी ओवर ले लूँ, यहाँ पे कट करके क्या लिखूँ 2 लिख दूँ. अभी अगेन मेरे पास यहाँ 2 में से 3 माइनस नहीं होगा तो कैरी ओवर लूँ, यहाँ पे 4 लिख दूँ. ठीक है, तो कितना जाएगा, 11 में 6 माइनस करो 5, यहाँ पे क्या करो 11 में से 5 माइनस करो तो कितना जाएगा 6. देन वी आर हैविंग 12 में से 3 माइनस करो, 12 में से 3 माइनस किया 9 आ गया, 4 में से 2 माइनस करो 2, 6 में से 1 माइनस करो 5. दिस यू विल गेट एज द आंसर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके. So next we are having 9th question. In 9th question we are given with a machine manufactures 5782 screws per day. वो क्या कर रही है, हर एक दिन में इतने screws manufacture कर रही है. तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना है हमें, number of screws made in one day. तो one day में वो कितने screw बना रही है, वो बना रही है 5782 screws. ठीक है, अब मेरे को find out करना है how many screws will be manufactured in the month of April. अप्रैल के month में वो कितने screws बना लेगी. देखो number of days in April month will be 30 days. ठीक है, ये आपको learn रखना होगा, जो number of days है अप्रैल में वो 30 days होते हैं. ठीक है, 30 days आ गया मेरे पास, मैं count करना है कि अप्रैल month में वो कितने screws बना लेगी. अगर वो एक दिन में इतने screws बना रही है तो 30 डेज में कितने बनाएगी. तो अगर आपको ऐसा कुछ ना देना कि आपको एक में गिवन है और 30 डेज या 30 में कितना बनाएगी, तो आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है. तो नंबर ऑफ स्क्रूज इन अप्रैल मंथ इज इक्वल्स टू 5782 मल्टीप्लाई 30. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आपको शो भी करनी है यहाँ पे. 5782 मल्टीप्लाई करना आपको 30 से. तो 0 मल्टीप्लाई 2 0, हेयर ऑल्सो 0 0 और 0. 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 होता है. तो यहाँ पे डालो क्रॉस. ठीक है, 3 2 6, 8 3 24, 2 गया कैरी, 7 3 21, 21 + 2 कितना जाएगा 23, 2 गया कैरी, 5 3 15, 15 + 2 कितना जाएगा 17. इसको ऐड कर दो, 0 6 4 3 1 7. तो इतने नंबर ऑफ स्क्रूज वो क्या करेगी अप्रैल मंथ में बना देगी. ठीक है. So next we are having 10th question. In 10th question we are given with a man had this much with him. एक पर्सन है, उसके पास इतने रुपीस अपने हाथ में है. ठीक है, तो टोटल मनी कितनी है उसके पास, टोटल मनी इज इक्वल्स टू रुपीज 1,5,7,184. इतने रुपीज उसके पास हैं. ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 80 आर्टिकल्स एट 125 ईच. उसने क्या किया, कुछ 80 आर्टिकल्स मंगवा ली, एक आर्टिकल 125 रुपीज का. तो 80 आर्टिकल कितने के होंगे, तो आप देखो मनी फॉर और प्राइस फॉर 80 आर्टिकल्स. मनी फॉर 80 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाई 80, क्योंकि जो एक आर्टिकल है वो 125 रुपीज़ का है. उसने 125 के 80 आर्टिकल्स मंगवाए हैं, मतलब ईच जो है वो 125 का है. तो 80 आर्टिकल्स कितने के होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 125 मल्टीप्लाई 80, यहाँ पे 0 0 0, 8 5 0 40, 8 2 0 16, 16 + 2 कितना जाएगा 20, 2 कैरी, 8 9 10. तो उसने क्या किया 0 0 0 1. तो उसने क्या किया 1 with 1 2 3 4 इतने रुपीज़ के उसने कुछ आर्टिकल्स मंगवा लिए, 80 आर्टिकल्स मंगवा लिए. हाउ मच मनी विल रिमेन विद हिम आफ्टर द परचेज. देखो उसने टोटल रुपीज़ में से क्या किया, टोटल रुपीज़ में से इतने रुपीज़ उसने क्या किया, खर्च कर दिए. कितने रुपीज़ खर्च किए, 1 2 3 4 1 2 3 4 विद 1. ठीक है, इतने रुपीज़ उसने खर्च कर दिए, माइनस कर दो, 4 8 1 7 4 1. तो उसके पास कितने रुपीज़ लेफ्ट हो गए, उसके पास इतने रुपीज़ अभी लेफ्ट है. ओके. So next we are having 11th question. In 11th question we are given with a student multiplied this term by 87 instead of multiplying by 78. Actually teacher ने तो बोला था student को कि आपने 8035 को multiply करना है 78 से, पर उसने क्या किया, गलती से उसने 78 की जगह पे उसने 87 से multiply कर दिया. उसने गलती से क्या किया, 87 से multiply कर दिया. ठीक है, जब उसने multiply किया तो उसने आंसर कितना आ गया, इसको multiply करके देखो. तो आंसर विल बी 75 का 35, 3 कैरी, 7 3 21, 21 plus 3 will be 24, 2 कैरी 700, 0 प्लस 2 2, 8 7 से कितना जाएगा 56, ठीक है। मल्टीप्लाई 8 5 ज़र 40, 4 गया कैरी, 8 3 ज़र 24, 24 प्लस 4 28, 2 गया कैरी, 8 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा 2, 8 8 ज़र 64। तो उसका आंसर कितना आया, गलती से उसका आंसर कितना आ गया 699,045, तो उसका आंसर कितना आया इतना। बट एक्चुअली उसने टीचर ने क्या बोला था, उसने टीचर ने तो ऐसे बोला था कि आपको 8035 को मल्टीप्लाई करना है 78 से, तो 78 से मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअल आंसर कितना आना था 8 फाइव ज़र 40, 8 थ्री ज़र 24, 24 प्लस 4 कितना आ जाना 28, यहाँ पे कितना आ गया 2 कैरी, 8 इंटू 0 0 प्लस 2 कितना आ जाना 2, तो 8 8 ज़र 64, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना जाएगा 7 5 का 35, 3 क्या कैरी 7 थ्री ज़र 21, 21 प्लस 3 विल बी 24, 2 कैरी 7 मल्टीप्लाई 0 0 इंटू 2 विल बी 2, 7 8 ज़र कितना जाना था 56, ठीक है। इन दोनों को क्या करो अभी सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आंसर कितना जाएगा 0, नेक्स्ट वी आर हैविंग 3, देन वी आर हैविंग 7 6, देन 2, देन वी आर हैविंग 6, ओके। इतना आंसर आ गया, उसका एक्चुअल आंसर इतना आना चाहिए था पर उसका आंसर गलती से इतना आ गया, ठीक है। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर इज ग्रेटर और लेस देन द करेक्ट आंसर, उसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना बड़ा है, पहले हमें ये चेक करना है किसका आंसर बढ़ाया। ये उसने क्या किया, रॉन्ग कर दिया था, ये रॉन्ग वाला है और ये राइट वाला है, ठीक है। एक्चुअली उसको ये करना था, राइट वाला करना था, उसने रॉन्ग वाला कर दिया। अभी हमें चेक करना है कि जो रॉन्ग वाला आंसर है वो कितना कितना मतलब रॉन्ग है। तो सबसे पहले बड़ा कौन सा है, इसमें से बड़ा ये वाला है 69 वाला, 62 वाला छोटा है, तो रॉन्ग आंसर बड़ा है, तो इसको बड़े को क्या रखो आगे रख लो। तो जो रॉन्ग आंसर है वो कितना बड़ा आ गया राइट आंसर से, तो इन दोनों को माइनस कर दो 6 2 6 7 3 0, इन दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 3 1, 0 में से 7 तो माइनस नहीं होगा, कैरी ओवर लेना होगा, यहाँ पे कट हो जाएगा 8 आ जाएगा, 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 7 2 7, 6 माइनस 6 0। तो इतने टर्म से क्या हुआ, उसका जो आंसर है वो रॉन्ग आया, क्लियर। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग 12th क्वेश्चन। इन 12th क्वेश्चन वी आर गिवन विद मोहिनी हैज़ 30 मीटर क्लॉथ, एक मोहिनी लड़की है उसके पास 30 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है, ठीक है। उसके पास क्लॉथ कितना गिवन है 30 मीटर का, 30 मीटर को पहले कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 30 मीटर में कितने हो गए, 30 मीटर को मैं लिख सकती हूँ ऐसे 30 मल्टीप्लाई 1 मीटर, 30 मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू 30 ओनली, तो यहाँ पे लिख दो आप 30 मल्टीप्लाई 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 3 विद 3 zeros, तो 3000 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 30 मीटर में कितना आ जाएगा, 30 मीटर में 3000 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड शी वॉन्ट, मोहिनी वॉन्ट टू मेक द सम शर्ट्स फॉर हर सन, इस 3000 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ से वो क्या करना चाहती है, कुछ शर्ट्स बनाना चाहती है अपने सन के लिए, कुछ उसने पीसेज में शर्ट बना दिए ऐसे। एंड इफ़ ईच शर्ट रिक्वायर्ड, जो हर एक शर्ट है वो कितना कपड़ा ले रही है, कितनी क्लॉथ ले रही है, वो ले रही है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ। टोटल 3000 क्लॉथ में से उसने कुछ कुछ मतलब पीसेज के क्या बनाए, उसने अपने बेटे के लिए शर्ट्स बना दी, और शर्ट की कितनी हमें लेंथ गिवन है, शर्ट की लेंथ गिवन है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, इसको भी आप कन्वर्ट कर लो। तो 2 मीटर 30 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 2 मीटर मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 मीटर लिख दो, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 गिव यू 2 ओनली, मीटर एज सच, 30 सेंटीमीटर को रखो एज सच। 2 मल्टीप्लाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो प्लस कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर एज सच, तो यू विल गेट 200 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, तो यू विल गेट हेयर एज 230 सेंटीमीटर। मतलब 3000 की एक पूरी क्लॉथ में से उसने कुछ शर्ट्स बनाई, और शर्ट की लेंथ कितनी थी 230 सेंटीमीटर। अभी मेरे को ये चेक करना है कि टोटल 3000 कपड़े में से, टोटल 3000 क्लॉथ में से अगर वो 230 सेंटीमीटर की शर्ट्स बना रही है तो कितनी शर्ट्स बना पाएगी। तो नंबर ऑफ़ शर्ट्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या किया करो, नंबर ऑफ़ शर्ट्स, कुछ भी आपको नंबर ऑफ़ थिंग फाइंड आउट करनी हो, नंबर ऑफ़ थिंग मतलब जो आपको टोटल गिवन है, जो आपको टोटल गिवन है उसको डिवाइड कर दो पर ईच से, कि ईच वो शर्ट कितने की थी, ईच कितने की थी 230 की, तो 0 कट विद 0। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, इसको ऐसे 23 को बाहर रखो और 300 को अंदर रखो, तो 23 1 ज़र यहाँ पे आ जाएगा 23, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पे आंसर कितना जाएगा 7, यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है। अभी आप टेबल लिखो 23, हेयर विल गेट 46, हेयर विल गेट 69, तो 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 69, अगेन आप इसको माइनस कर दो 1 आ जाएगा, 23 के टेबल में 1 तो आता नहीं, अभी 0 डालो, इसका भी 0 डालो, तो 10 भी नहीं आता, एक और 0 डाल दो, ठीक है, तो एक और 0 डाल दो यहाँ पे, तो 23 के टेबल में 100 जाता है, देखो इसको 9 10 11 12 6 7 8 9, तो 1 2 3 4, तो 4 पे आ गया 92, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स आंसर कितना आ गया, अप्रॉक्स आंसर विल बी 13.04। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखो तो उसने 13 शर्ट्स बनाई 3000 कपड़े में से, 3000 क्लॉथ में से। अगर उसने पर शर्ट 230 सेंटीमीटर की बनाई तो मतलब उसने 13 शर्ट्स ऐसी बनाई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड। फर्स्ट तो मैंने फाइंड आउट कर लिया हाउ मेनी शर्ट्स, कितनी शर्ट 13 शर्ट्स कैन बी मेड एंड हाउ मच लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी लेफ्ट। 13 शर्ट्स बनाने के बाद उसके पास कितना जो क्लॉथ है वो देखो भी उसने पहले तो कितना क्लॉथ यूज़ कर लिया। 13 शर्ट्स बनाई उसने और जो एक शर्ट है वो 230 सेंटीमीटर की है, जो एक लेंथ है शर्ट की वो 230 सेंटीमीटर है और उसने ऐसी 13 शर्ट्स बनाई है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 230 को मल्टीप्लाई कर देना 13 से तो आपका आंसर आ जाएगा 2990 सेंटीमीटर। मतलब उसने पूरा 3000 सेंटीमीटर क्लॉथ में से 2990 सेंटीमीटर वाला क्लॉथ क्या उसने यूज़ कर लिया। तो कितना क्लॉथ लेफ्ट रह गया, क्लॉथ लेफ्ट विल बी 3000 माइनस 2990 विल बी 10 सेंटीमीटर। तो उसका क्या भी क्या है 10 सेंटीमीटर क्लॉथ अभी भी लेफ्ट है। सो नेक्स्ट वी हैविंग 13th क्वेश्चन। इन 13th क्वेश्चन वी आर गिवन विद द वेट ऑफ अ बॉक्स इज दिस मच। हमें यहाँ पे वेट ऑफ बॉक्स गिवन है, वेट ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स, तो वेट ऑफ बॉक्स हमें कितना गिवन है 4 kg 800 ग्राम। ठीक है 4 kg 800 ग्राम। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ 150 सच बॉक्सेस। अगर एक बॉक्स का वेट इतना है तो वेट ऑफ 150 बॉक्सेस विल बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 150 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में देखो कितना आंसर आएगा 0 0, हेयर ऑल्सो 0, हेयर ऑल्सो 0, देन अगेन 0। यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई, हेयर विल गेट 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 8 40 0, 4 गया कैरी, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 20 प्लस 4 24। ठीक है, यहाँ पे केजी लिखो, यहाँ पे ग्राम लिखो। अगेन 2 मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 8 8, 1 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 4। इन सभी को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 0 0 0 0। 8 प्लस 4 विल गिव यू 12, 12 प्लस इसका कैरी चल गया 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो आंसर कितना आ जाएगा 420 kg and 0 ग्राम। ओके, सो नेक्स्ट वी हैविंग 14th क्वेश्चन। इन 14th क्वेश्चन वी आर गिवन विद द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 3 किलोमीटर 760 मीटर। एक ए प्लेस है और एक बी प्लेस है, उन दोनों में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे गिवन है 3 किलोमीटर एंड 760 मीटर। ठीक है, अ बॉय ट्रेवल्स ए टू बी। पहले बॉय क्या करता है ए टू बी जा रहा है एंड देन ही रिटर्निंग ऑल्सो फ्रॉम बी टू ए। पहले वो ए टू बी जा रहा है फिर बी टू ए आ रहा है, तो एवरी डे वो ऐसे ही करता है। तो पहले जाता कितना है वो, ही इज़ गोइंग ए टू बी, मतलब पहले वो 3 किलोमीटर 760 मीटर जा रहा है प्लस क्या कर रहा है वो वापस भी आ रहा है, उसी दिन वो वापस भी आ रहा है। वापस भी कितना आ रहा है वो 3 किलोमीटर 760 मीटर। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा देखो 3 किलोमीटर 760 मीटर। इसको ऐड कर दो, अगेन 3 किलोमीटर 760 मीटर से पहले वो जा रहा है फिर सेम डिस्टेंस वो वापस आ रहा है। तो 0 6 प्लस 6 12, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 का 1 कैरी, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7। तो मतलब टोटल डिस्टेंस वो एवरीडे इतना कवर कर रहा है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल इन 8 डेज। अगर वो पर डे में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो 8 डेज में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस इन 8 डेज, तो 8 डेज में वो कितना मूव कर रहा होगा 8, आप क्या करो 8 मल्टीप्लाई 7 किलोमीटर 520 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर 520 मीटर को मल्टीप्लाई कर दो आप 8 से। तो कितना आंसर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 0, 8 2 जार 16, 8 5 जार 40, 40 प्लस 1 41, 4 कैरी, 8 7 जार कितना आ जाएगा 56, 56 प्लस 4 विल बी 60। तो वो टोटल 8 डेज में कितना मूव करेगा 60 किलोमीटर 160 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट में हमें 15th क्वेश्चन। इन 15th क्वेश्चन वी आर गिवन विद एन ऑयल टिन कंटेन 6 लीटर 60 ml ऑयल। एक मेरे पास ऑयल को टिन गिवन है, ऐसे कुछ कैन गिवन है, कैन में कितना मेरे पास ऑयल गिवन है, ये ऑयल मेरे पास टोटल गिवन है 6 लीटर 60 मिलीलीटर। ठीक है, हाउ मेनी आइडेंटिकल बॉटल्स ऑफ द ऑयल कैन बी फिल इफ ईच ऑफ द कैपेसिटीज 30 ml। मेरे पास कुछ स्मॉल वाली कैन्स है और वो कैन्स 30 ml की है, वो मैंने कैन्स ये बड़ी वाली कैन से सभी कैन्स को फिल करना है। तो कितनी मैं ऐसी कैन्स फिल कर लूँगी। अगर आपके पास कुछ ऐसा ना कैपेसिटी आ जाए, ईच आ जाए, तो ईच फाइंड आउट करने के लिए आपको डिवाइड करना होता है। सिंपली आप याद रख लो बस, ईच मतलब आपको डिवाइड करना है, ऑल टुगेदर है टोटल मतलब आपको ऐड करना है, लेफ्ट और डिफरेंस मतलब आपको माइनस करना है। ठीक है, और अगर आपको गिवन हो सच लाइक सच दिस मच बॉटल्स, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ईच आ गया, ईच मतलब आपको डिवाइड करना है बस। तो आप क्या करो 6 लीटर 60 ml से आप क्या करो डिवाइड कर दो 30 ml को। पहले मैं इसको ml में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो देखो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, वी नो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल 1000 मिलीलीटर, तो 6 में कितने होंगे 6 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर, ठीक है, प्लस इसको आप ऐड कर दो प्लस 60 ml, तो आंसर कितना आ जाएगा 6000 मिलीलीटर प्लस वी आर हैविंग 60 मिलीलीटर। इन दोनों को ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 6060 मिलीलीटर। अब मेरे को डिवाइड करना है 6060 ml को डिवाइड करना है 30 से, तो डिवाइड कैसे करोगे देखो 6060 डिवाइड करना है 30 से ना, पहले 0 to 0 कैंसिल कर दो। अब इसको डिवाइड करो 3 को डिवाइड करो 606 से, 3 2 6, यहाँ पे कितना जाएगा 0 0 लेके आओ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 को नीचे ले आओ, 6 कहाँ पे जाएगा 3 के टेबल में 2 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 202। तो 202 सच बॉटल्स विल बी देयर दैट वी आर गोइंग टू फिल ऑफ 30 ml फ्रॉम द 6 लीटर 60 मिलीलीटर कैन। ओके, so next we're having 16th question. In 16th question we are given with the scale receipt of a company in a certain year was this much. कुछ कंपनी कुछ रेट आया, स्केल आया, मतलब पैसे आए उसके, कितनी उसका मनी आया कंपनी की, वो मनी मेरे पास फर्स्ट ईयर में गिवन है। फर्स्ट ईयर में मनी मेरे पास कुछ गिवन है यहाँ पे 8373540, कुछ यहाँ पे स्केल रिसिप्ट आया वो कंपनी के पास। इन द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, सेकंड ईयर में क्या हुआ, उसका जो मनी प्राइस था वो रिड्यूस हो गया, इट वॉज डिक्रीज बाय दिस मच रुपीज़। सेकेंड ईयर में आने वक्त क्या होगा, जो इतने रुपीज़ में से इतना पैसा वो डिक्रीज़ हो गया, तो सेकेंड ईयर में कितना हो गया होगा, टोटल में से आप क्या करो, टोटल में से ये माइनस कर दो 784,670, क्योंकि टोटल में से सेकेंड ईयर में इतने रुपीज़ कम हो गए थे, कम हो गए मतलब माइनस कर दो, माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा 7588870, मतलब सेकेंड ईयर में इतने रुपीज़ बन गए। तो व्हाट वाज द स्केल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया कि सेकेंड ईयर में इतने रुपीज़ बने होंगे, रुपीज़ दिस मच, ठीक है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द टोटल स्केल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। टोटल मतलब आपको ऐड करना है कि दोनों ईयर्स में कितना स्केल, कितने वो रुपीज़ बने होंगे, टोटल मतलब करने के लिए ऐड कर दो 8373540 प्लस अब इसको ऐड कर दो 7588870, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 1,5,962,410, मतलब फर्स्ट ईयर में उसका बिल इतना आया था, सेकेंड ईयर में बिल थोड़ा रिड्यूस हो गया, इतने रुपीज़ रिड्यूस हो गए, इतने रुपीज़ रिड्यूस करने के बाद इतना बिल आया, ठीक है। इन दोनों का कंबाइंड टोटल स्केल रिसिप्ट कितना आया होगा, इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। So next we're having 17th question. In 17th question we are given with a number exceeds this much by this much. कुछ नंबर है तो लेट कर लो नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ नंबर, नंबर मतलब हमने एक्स लेट की है, अ नंबर एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब माइनस, अ नंबर एक्सीड्स दिस मच 859,470, बाय का मतलब होता है इज इक्वल्स टू 300,999, और व्हाट इज द नंबर, नंबर मेरे को फाइंड आउट करना है। कुछ नंबर है जब उसको एक्सीड किया तो उसका आंसर कितना आया, इतना आया, ठीक है। मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स रखो एज सच, ये आपके पास पूरी टर्म माइनस वाली है ना, ये कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ, ये पूरा माइनस वाला है, इधर जाके का बन जाएगा ये प्लस वाला बन जाएगा, तो इज इक्वल टू रखो एज सच 300,999 रखो एज सच, ये पूरी टर्म माइनस वाली है ना, ये पूरी टर्म देखो ऐसे माइनस वाली है, इधर ले आओ तो ये प्लस वाली बन जाएगी, तो प्लस 859,470, तो इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा देखो, ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 11,60469। तो आपको सभी एडिशंस क्या है बिल्कुल अच्छे से करने तभी आपका आंसर आएगा, क्लियर। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.